ना तो सुबह 4 बजे उठती हूँ और अपना फ़ोन देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ कि मेरी कोई सी वीडियो वायरल हुई है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो गाइज आप? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके मम्मी पापा भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज से मेरी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता क्योंकि मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ जब मैं अपने व्यू देखती हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरी वीडियो कोई सी वायरल हो जाएगी, जब कोई ना शेयर करता है, ना कमेंट करता है, ना लाइक करता है। आजकल मैं जैसे अपना चैनल देख रही हूँ जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन पाऊँगी। तो गाइज़ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए तभी मैं बड़ी यूट्यूबर बन पाऊँगी। मैं भी चाहती हूँ मैं भी दूसरों की तरह आगे बढ़ूँ तभी मैं छोटे यूट्यूबर की हेल्प कर पाऊँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी हमारी हेल्प करो। मैं कैसे आप लोगों की हेल्प करूँ जब मेरी हेल्प कोई नहीं करता, मेरे को कोई जब वायरल ही नहीं कर रहा, मेरी व्यू नहीं आती। इतनी मेहनत, मुझे बताएं मैं कितनी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, इतनी मेहनत लगती है गाइज आपको क्या बताऊँगा। फिर भी मेरी वीडियो पे बिल्कुल भी व्यू नहीं आते। 2-3 दिन में भी बड़ी मुश्किल से 200-300 व्यू आते हैं, वो भी पता नहीं कैसे किस हिसाब से आते। मुझे तो वो भी पता नहीं क्या हो गया मेरे को। आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ जब मैं अपने चैनल को देख रही हूँ नीचे की ओर जा रहा है, ग्रो होने की वजह नीचे की ओर आ रहा है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ कि मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, वायरल कर दो। गाइज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए तभी मैं भी दूसरे यूट्यूबर की तरह आगे पहुँच पाऊँगी और एक बड़ी यूट्यूबर बनूँगी तभी मैं दूसरों की भी हेल्प कर पाऊँगी। तब तक मैं किसी की कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरे खुद ही इतने कम व्यू आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। तो गाइज प्लीज़ नहीं तो मैं तो चलो गाइज कोई बात नहीं, अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं करना है तो छोड़ो इस बात को। अब रोज़गार होना पीटना मैं भी आप लोगों के सामने ले आती हूँ, ये तो आपके हाथ की बात है आपने वीडियो को शेयर करना है। अगर आप चाहते हो भाई प्रिया जी आगे बढ़े आगे बढ़े, तो प्लीज़ आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और गाइज अभी शाम का टाइम हुआ है तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे उपले रखे थे, धूप में रखे थे लेकिन ये थोड़े बहुत गीले हो गए हैं तो मैंने इनको सुखाया है यहाँ पे। और ये बेचारी ये तो बिल्कुल ही गीले हैं, इनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि बारिश में भीग गए थे, ऊपर छत पे रखे थे मैंने ध्यान नहीं दिया और ये बारिश में भीग गई। 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए गाइस बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इन उपलों को यहाँ पे सीधा कर दिया है। तो गाइस अभी शाम तक देखते हैं क्या कुछ होता है। तो गाइस आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस हर किसी का सपना होता है कि वो यूट्यूबर बने, और जब मैं शाम को सोती हूँ ना तो सुबह 4 बजे उठती हूँ और अपना फ़ोन देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ कि मेरी कोई सी वीडियो वायरल हुई है या नहीं। पर मेरा सपना जब भी टूट जाता है क्योंकि कुछ भी नहीं होता, वही व्यू 1-2-3-4 बस। तो गाइस प्लीज़ वही उम्मीद के साथ फिर से कहती हूँ कि एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर वायरल कर दो, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। तो गाइस शाम तक देखते हैं क्या कुछ होता। हम अभी मैं शाम का खाना बनाऊँगी 6-7 बजे। अभी मेरा बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ आज। अगर आप अपनी प्रिया जी को सैड नहीं देखना चाहते तो मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, वायरल करो। गाइस अभी 11:30 हुए हैं, सुबह से ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अभी मैं नहा धो के फ्रेश हुई हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, 3 दिन हो गए कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम सुबह लेट उठते हैं तो ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज हम अपना ब्लॉग 11:30 बजे से शुरू कर रहे हैं। तो गाइज और सुनाइए कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे है ना, और आपके मम्मी पापा भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैंने सोचा अभी तो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। मैं अभी नहाई हूँ, मैंने बाल धोए क्योंकि आज शुक्रवार था तो मैंने सोचा बाल धो देती हूँ। और कनिष्क भी अभी सो के उठा है तो मैंने कनिष्क को चाय वगैरह पिला दी है, ब्रेकफास्ट करा दिया है। तो मैं सोच रही थी कि दोपहर का खाना मैं क्या बनाऊँ, आज चटपटा खाने का मन है यार। जिस दिन तो बारिश होती है उस दिन तो वैसे चटपटा ही खाने का मन होता है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँ और पूरियाँ बना देती हूँ। तो गाइस देखते हैं क्या कुछ होता है या शाम को बनाएंगे ये सब। अभी मम्मी भी आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैंने कहा रहने दो, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कहीं आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने टॉवल भी अपने हाथ में ही रखा है, अभी तक मैं कमरे में भी नहीं गई हूँ, सीधा ब्लॉग बनाने में व्यस्त हूँ। तो गाइस
कुछ कहने के लिए आई नहीं मैं, जो यार इतनी बारिश हो रही है। और मैं ना पहले, मेरे को बारिश वाला मौसम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इतना भी नहीं लगता यार। 4-5 दिन हो गए जब मैं बोर हो गई। छी 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 छी, एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन हो गए यार, 3-3 दिन, 4 दिन बारिश। छी छी छी, अब तो बहुत परेशान होंगे। देखो बारिश में कहीं जा भी नहीं सकते और ना कुछ अच्छे से घर में भी नहीं अपने घूम सकते, क्योंकि यार बारिश वाला मौसम है। तो छी छी छी, आजकल वैसे लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बुखार वगैरह, तो मुझे खुद भी डर ही डर लगता है कहीं मेरे को भी ना हो जाए। वैसे मेरी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, 10-15 दिन हो गए मेरे को सर में दर्द रह रहा है बहुत ज़्यादा, तो कभी खत्म मतलब थोड़ा रहता कभी ज़्यादा, और दवाइयों से भी कोई आराम नहीं हो रहा है सर में दर्द की। पता नहीं क्यों हो गया, पहले मेरे को इतना सर में दर्द नहीं होता था, अब 10-15 दिन हो गए कंटिन्यू मेरे को इतना सर में दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ क्या नहीं। तो गाइस देखते हैं अब क्या कुछ होता है, तब तक मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। सुबह से ऐसे भी सो ही रही थी, अब मैं थक गई हूँ सो सो के, रेस्ट कर लेती हूँ। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, मैं यहाँ छत पे बैठी हूँ और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं छत पे बैठ जाऊँ। तो अभी शाम का टाइम है, तो मैं अभी शाम का जो ब्लॉग शुरू शूट कर रही हूँ, 4:30 बजे से शूट कर रही हूँ। तो मैं आज दिन में सो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शाम को ही ब्लॉग शूट करूँगी। तो मैं जब सो के उठी तो मैंने अभी बर्तन साफ किए, तो मैंने देखा वाह कितना अच्छा मौसम हो गया है, वाह यार मेरा तो दिल खुश हो गया। तो गाइस कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अब जब लाइव आएंगे कभी आप लोगों से बातें तब करेंगे जी करके।